क्या आप एक रसर हो? हाँ और आप रस करने जाते हो तो एक एनिमी को तो नॉक कर देते हो, लेकिन उसका दूसरा टीममेट आके आपको नॉक कर देता है, ऐसा ही होता है ना? अरे हाँ भाई हाँ। तो वाई फियर मैं आप लोगों के लिए टॉप 2 ऐसे रसर कॉम्बो लाया हूँ, जिसको लेके खेलने के बाद आप भी बोलोगे आने तो कितने बंदे आ रहे हैं, चुन चुन के मारेंगे। तो रस करने के लिए सबसे पहला जिगरा चाहिए, जो आप लोगों के पास नहीं है। अबे साले, अगर आप रस करने टाइम डरोगे तो वहीं पे मरोगे। तो ये कॉम्बो यूज करो और बेफिकर रस करो। और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। बात करते हैं हमारे नंबर 1 कॉम्बो की। इसमें आपको तो सुइया के साथ सानी, एंटोनियो और जे बीप्स को लेना है। एंटोनियो आपको 40 का शील्ड पॉइंट हमेशा दिए होता है। अगर कोई एनिमी आपको मारेगा तो पहले एंटोनियो का शील्ड पॉइंट खत्म होगा, उसके बाद आपका एचपी कम होगा, उसके कुछ देर बाद एंटोनियो का शील्ड पॉइंट वापस आ जाता है। और यहाँ पे देखो, एक एनिमी आया तो पहले एंटोनियो का शील्ड पॉइंट टूटा, उसके बाद जे बीफ डिफेंस करता है और उस एनिमी को हम इजीली मार देते हैं। आप जब भी अपना एक्टिव स्किल ऑन करोगे तो सानी आपको 40 का शील्ड पॉइंट देगी, और जे बीफ आपका ईपी लेके आप पे आने वाले बुलेट को 6% डिफेंस करेगा। तो यहाँ पे देखो, सामने एनमी आ रहा है, एंटोनियो की मदद से उसे इजीली नॉक कर दिया। उसका टीममेट यहाँ पे मेडी मार रहा होता है, उस पर रस करके इजीली नॉक कर फिनिश। इनका एक और टीममेट नीचे से फायर कर रहा होता है, उस पर भी रस करके इजीली मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। इनका एक और टीममेट बचा होता है और उसे भी मार के मेरा कप क्वार्टर हो जाता है, पता ही नहीं चलता ऐसा काम करेगा यह कॉम्बो। और यहाँ पे देखो, एक बंदे को मैं हेड मारता हूँ और दूसरे को बॉडी बॉडी मार के निपटा देता हूँ, और नॉक एनमी को मैं जल्दी जल्दी मार देता हूँ क्योंकि वो रिवाइव ना हो जाए। तो उनको मारने के बाद मैं जल्दी मेडी मार लेता हूँ और नीचे जाकर तो सुइया की मदद से उन दोनों पर रस करके इजीली मैं क्वार्टरा इसमें भी कर लेता हूँ। तो टोटली 2 राउंड में लगातार क्वार्टरा। भाई अगर आप रसर हो तो ये कॉम्बो जरूर यूज करो, बहुत खतरनाक कॉम्बो है, आप सब गेम इजीली विन करोगे। तो इसके बाद बात करते हैं हमारे नंबर 2 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। इसमें आपको हुकोंग लेना है, जो कि आपको साइलेंट्री रस करने में काम आएगा। उसके बाद आपको जे बीप्स लेना है, जो कि आप पे आने वाले बुलेट को 6% डिफेंस करेगा। उसके बाद आपको लोना लेना है, लोना आपके रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगी। उसके बाद लास्ट में आपको हयातो लेना है, जो कि आप किसी भी एनमी के बेस्ट को इजीली तोड़ सकते हो। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं। गाइज बोला था ना, आप हुकोंग बनो और चुपचाप जाके एनमी को मारो, जैसे मैं ये एनमी को मारा। और यहाँ पे देखो, एकदम चोरी छुपके जाएंगे और दोनों बंदों को इजीली मार देंगे, क्योंकि हमारा लोना रेट ऑफ फायर दे रही है, हयातो और जे बीप्स डिफेंस के लिए है। तो डर किस बात का, फटफट जाओ रस करो और इजीली बंदे को मारते जाओ। और यहाँ पे देखो, लोना की मदद से एक को पूरा रेड नंबर, तुरंत उसके दूसरे टीममेट पे भी रस कर दिया और उसे भी नॉक कर दिया। तब तक उसका तीसरा टीममेट आ जाता है, किसी तरह 17-18 का डैमेज देकर उसे भी नॉक, और उसके लास्ट टीममेट बचता है उसे थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन ओरियो ओपन कर लेता है और ये उसे भी मार के एस कर लेता हूँ। भाई अगर यहाँ हयातो और जे बीप्स ना होता तो शायद ये मेरा क्वार्टरा ना होता, इसलिए रस के साथ डिफेंस बहुत जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।